नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूपम और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं बात करने वाला होंडा डियो 2020 BA6 के बारे में। फाइनल इसका टीजर आ चुका है और इंडियन मार्केट में बहुत जल्द ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है और बहुत रिफ्रेश डिजाइन के साथ आएगी, बहुत सारे न्यू फीचर्स के साथ आएगी। तो एक एक करके सारी चीज बताऊंगा, तो आखिरी तक वीडियो देखना बिल्कुल भी मत मिस करना अगर आपका प्लान है होंडा डियो लेने का BA6। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर में होगा, उसको क्लिक करके ग्रीन में कन्वर्ट कर देना एंड उसके बाद बेल आइकन उसको भी क्लिक कर देना, नहीं तो वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगे। होंडा एक्टिवा 6G BA6 एंड होंडा एक्टिवा 125 BA6 के लॉन्च के बाद जो नेक्स्ट स्कूटर लॉन्च होने वाले दैट इज होंडा डियो BA6 विद फ्यूल इंजेक्शन, हेल लॉट ऑफ फीचर्स के साथ और हेल लॉट ऑफ डिजाइन के साथ। अगर मैं बात करूं डिजाइन वाइज, तो इस गाड़ी में बहुत सारे अपडेट आपको देखने को मिलता है। पहली चीज तो इसका बॉडी ग्राफिक्स चेंज हुआ है, डायमेंशन चेंज हुए हैं, इसका जो सस्पेंशन सेटअप वो चेंज हुआ है, इंजन कॉन्फिगरेशन चेंज हुआ है, तो बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलता है। पहले बात करूं डिजाइन की, तो डिजाइन वाइज आपको ऑल न्यू फ्रंट एंड देखने को मिलता है और काफी क्लासिक डिजाइन के साथ आता है। पहले भी LED हेडलाइट था लेकिन इस गाड़ी में जो LED हेडलाइट है वो वी शेप में देखने को मिलता है, पहले भी देखने को मिलता है लेकिन उसका डिजाइन थोड़ा अलग किया गया है। ठीक है, तो उसको रीडिजाइन किया गया, थोड़े शार्प किए गए, उसके साइड में फेंडर्स दिए गए जहां से एयर इनटेक हो एंड इसमें थोड़े से आपको कार्बन फिनिश आपको देखने को मिलता है। ये तो बात हो गई फ्रंट एंड की, बहुत ही रिफ्रेशिंग है, बहुत ही क्लासी है। प्लस आपके जो हैंडल है वहां पे आपको DRS देखने को मिलता है, वी शेप DRS देखने को मिलता है, वो अगेन लिट अप होते हैं जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हो, बहुत अच्छा लुक आपको देगा। तो बात हो गई फ्रंट एंड की, साइड पैनल्स की बात को तो वही डियो की बैजिंग देखने को मिलती है, BA6 देखने को मिलता है एंड आपको मिलता है DX। X मतलब ये है कि इसमें दो वेरिएंट आएंगे, बेस वेरिएंट आएगा और एक DS वेरिएंट आएगा, लेकिन इसमें अभी भी डिस्क ब्रेक वाला ऑप्शन नहीं दिया है कंपनी ने, पता नहीं क्यों, शायद बाद में आएगी लेकिन फिलहाल तो नहीं दिया है। रियर एंड की बात को तो रियर एंड भी आपको सेम वही डिजाइन देखने को मिलता है, क्लासिक लुक देखने को मिलता है, सिंगल सीट ऑप्शन है। फीचर्स की बात करूं तो इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिलता है, वो है फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन जो कि हेल लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन देगा और रीडिजाइन किया गया इसके लिए, तो बहुत अच्छा लुक आता है। ब्लू बैकलिट के साथ आता है इस गाड़ी में, ऑटोमेटेड ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, सारी चीजें भी देखने को मिलती है और प्लस इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है फ्यूल इंजेक्शन। इस कारण से तीन चीज और बढ़ जाती है, एवरेज फ्यूल कंजप्शन, आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते और आपके फ्यूल जितना है उतने में आप कितना डिस्टेंस और कवर कर सकते हैं, सारी चीज आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में देखने को मिलेगी। तो बात होगी फीचर्स एंड डिजाइन की, अब बात करें इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन। 9.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है और ये फ्यूल इंजेक्शन वाला इंजन है जो कि पावरपुट निकालता है 7.7 BHP का पावरपुट एंड जो टॉर्क आपको देखने को मिलता है दैट इज 8.79 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और ये जो पावर फिगर आप जो देख रहे हैं ये एक्टिवा 6G के जैसा ही है, दैट मींस वही इंजन आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है। अलावा जो फीचर्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है वो है साइलेंट स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है फ्यूल इंजेक्शन कारण, बहुत सारी चीज आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में ही देखने को मिल जाती है जो कि मुझे काफी सही लगी। ये तो बात हो गई इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन, आपको क्या देखने को मिलता है ऑलमोस्ट क्लोज टू एक्टिवा 6G के कंपैरिजन में। आपको थोड़ी साइलेंट स्कूटी चाहिए देन मेरे हिसाब से डियो इज बेटर, अगर आपको प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए देन एक्टिवा 6G इज बेटर। अब ये तो बात हुई इंजन वाइज, अब बात करें साइकिल पार्ट, तो साइकिल पार्ट्स में बहुत सारे डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। इस फोर में रेगुलर सस्पेंशन था, उसको चेंज करके अब आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है फ्रंट एंड में, दैट मींस इसकी राइडिंग क्वालिटी काफी अच्छी होने वाली है। रियर एंड में आपको वही मोनोशॉक एब्जॉर्बर ही देखने को मिलेगा, सेम सेटअप ही देखने को मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं ब्रेकिंग डिपार्टमेंट की बात करूं, इसमें वही फ्रंट में ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, पीछे भी आपको ड्रम ब्रेक सेटअप देखने को मिलेगा, इसमें डिस्क ब्रेक वाला सेटअप नहीं दिया है, शायद इन फ्यूचर देंगे लेकिन फिलहाल तो लॉन्चिंग के टाइम पे ये चीज नहीं देखने को मिलेगा आपको। दोस्तों ये तो बात हो गई इस गाड़ी के ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि आपको इस गाड़ी में क्या क्या देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ इंजन। अब बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो कितना प्राइस आपको देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं एक्टिवा 6G की बात करूँ, एक्टिवा 125 BA6 की बात करूँ, तो उस हिसाब से अगर प्राइस को डिफाइन करें तो जो टॉप मॉडल होगा वो 65 के करीब करीब होगा। BA6 वाला मॉडल के जो लोअर वेरिएंट है उसका प्राइस ऑलमोस्ट होगा 60,000 के करीब, 5,000 का आपको गैप देखने को मिलेगा दोनों गाड़ी में। इस फोर की कंपैरिजन में इसका जो प्राइस है 5,000 से 8,000 आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से सही है क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन दे रहे हैं, डिजाइन चेंज कर दी है,
LED हेडलाइट चेंज कर दिए, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन दे दिया, तो मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें इंक्लूजन किया, उस हिसाब से प्राइस ज्यादा बढ़ाया नहीं है, क्योंकि बाकी गाड़ियों में जो सिर्फ और सिर्फ फ्यूल इंजेक्शन और कैथलेटिक कन्वर्टर लगा रहे उसका ही प्राइस 8,000 रुपए ऐसे ही कंपनी बढ़ा दे रही है। मेरे हिसाब से इट्स वैल्यू फॉर मनी। आप लोगों का क्या राय है आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं आपके कमेंट एक एक करके पढ़ूंगा जरूर। सो फ्रेंड, कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अबाउट दी होंडा डियो 2020 BS6? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना। और आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है, आप लोग के प्यार के कारण ये चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, लेकिन थोड़ा तेज ग्रो हो तो मजा जरूर आएगा। टिल देन आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय एंड चाओ।